हैदराबादमध्ये 2007 मध्ये झालेल्या मक्का मशीद स्फोटाप्रकरणी स्वामी असीमानंद यांच्यासह 5 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. यावरून नेमकं काय राजकारण रंगलंय पाहूयात या रिपोर्टमधून. आधी साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर, मग कर्नल श्रीकांत पुरोहित आणि आता स्वामी असीमानंद. बॉम्बस्फोट घडवून देशात कथित भगवा दहशतवाद पसरवणारे हे आरोपी 2008 मध्ये मालेगावमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील प्रमुख आरोपी साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि कर्नल श्रीकांत पुरोहित यांना गेल्या वर्षी जामीन मंजूर झाला. तर हैदराबादमधल्या मक्का मशिदीत बॉम्बस्फोट घडवल्याचा आरोप असलेले स्वामी असीमानंद यांची NIA नामपल्ली न्यायालयानं निर्दोष मुक्तता केली. 18 मे 2007 रोजी झालेल्या या बॉम्बस्फोटात 9 जणांचा मृत्यू झाला होता तर 58 जण जखमी झाले होते. मात्र असीमानंद यांच्यासह 5 आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली. अदालत ने कहा कि सभी साक्षियों को देखते हुए, सभी डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करते हुए अदालत ने पाया किसी भी अभियुक्त के खिलाफ किसी प्रकार का कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है, लिहाजा सबको दोष मुक्त कर दिया है. एक आदमी जो था तेजराम, उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी. जो 2 लोग PO डिक्लेयर थे वो ऑलरेडी PO हैं, लेकिन जो फेस ट्रायल कर रहे थे वो 5 ही लोग कर रहे थे. उन 5ों का कंप्लीट फैसला आ गया, ये केस आज यहीं बंद हो गया. सभी लोग बाइज्जत बरी हो गए हैं. मुस्लिम बहुल भागात किंवा मशिदींमध्ये बॉम्बस्फोटाच्या अनेक घटना मध्यंतरी घडल्या. 2007 मध्ये हैदराबादची मक्का मशीद, समझौता एक्सप्रेस आणि अजमेर दर्ग्यामध्ये बॉम्बस्फोट झाले. 2008 मध्ये मालेगावमधल्या मशिदीत स्फोट झाले. हे सर्व स्फोट हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या दहशतवाद्यांनी घडवल्याचा आरोप होता. या सगळ्या कारवाया म्हणजे हिंदू दहशतवाद असल्याचा ठपका तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री P. चिदंबरम यांनी ठेवला होता. या सगळ्या स्फोटांमध्ये स्वामी असीमानंद आरोपी आहेत. मात्र याआधी अजमेर खटल्यातही त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर हिंदू दहशतवाद ही संकल्पना म्हणजे बनाव होता असा दावा भाजपनं केलाय. 2010 में P. चिदंबरम ने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था, हिंदू आतंकवाद. कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण जिस प्रकार से अनेकों वर्षों से हिंदुओं के ऊपर आक्षेप करने का कोशिश और इस तुष्टीकरण की राजनीति में किस प्रकार से चंद वोट बटोरने के लिए देश को बदनाम करने की साजिश कर रही थी, आज उसका पर्दाफाश हुआ है. श्री शिवराज पाटिल जी जो इन्होंने जो ऑथरशिप दिया था, हिंदू टेरर का जो बीज बोया था, उनके ऊपर दायित्व है कि आज देश के सामने आके अपनी सफाई पेश करें. और एक भी अगर उनके पास साक्षी थी और एक भी कोई ऐसा सोर्स था कि हिंदू टेरर का उनको इनपुट देने वाला जो ऑथेंटिक हो, उनके नाम ले कि किस आधार पे कहा इन्होंने हिंदू टेरर का. ये पूरा जो अभियान छेड़ा गया था, ये बहुत गलत अभियान था, ये देश के साथ द्रोह किया इन्होंने. दरम्यान कांग्रेसने याबाबत सावध प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ये जो कुछ हुआ है उसके बारे में सही राय देनी है तो जजमेंट पढ़ना पड़ेगा. पुलिस ने कैसा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था ये देखना पड़ेगा. पुलिस के विटनेसेस ने कोर्ट के अंदर कैसा जवाब दिया है ये देखना पड़ेगा. अगर कोई होस्टाइल हो गया है तो उनका क्रॉस एग्जामिनेशन कैसा हुआ है ये देखना पड़ेगा. उसके बाद जज ने किस आधार पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया है और नहीं किया है ये देखना पड़ेगा, उसके बाद ही बोल सकते हैं. यानिमित्तानं भाजप विरुद्ध काँग्रेस यांच्यात पुन्हा एकदा राजकारण रंगलंय. काँग्रेस नेत्यांनी नेमक्या कोणत्या पुराव्यांच्या आधारे देशात भगवा दहशतवाद पसरत असल्याचा आरोप केला. देशात भाजपची सत्ता आल्यावर CBI आणि NIA सारख्या तपास यंत्रणा हिंदुत्ववादी आरोपींबाबत मवाळ झाल्यात का, असे अनेक सवाल यानिमित्तानं उपस्थित होत आहेत. बॉम्बस्फोटांमध्ये निष्पाप नागरिकांचा जीव जात असताना त्यावरून दोन्ही बाजूनं होणारं राजकारण दुर्दैवीच म्हणावं लागेल. ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.